क्वेश्चन गाइस आपकी आंखों के सामने है। आपने सबसे पहले एक ध्यान रखना है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है आपने उस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ना है। याद रखना हमारे पास 2.5 मिनट ही होंगे इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब एक क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है विद इन 2.5 मिनट में। रीजन है आपको बाकी सेक्शंस के ऊपर भी ध्यान देना है। ये एक डिफिकल्ट टास्क तो है ही, इसके अलावा हमारे पास टाइम भी बहुत कम रहता है, तो इसके लिए आपको हर एक ट्रिक के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, चाहे आपका टारगेट 6 ईच हो, 7 हो या 8 ईच। बिना रीडिंग के 6 ईच भी नहीं आ सकते। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, कॉल करके पूछते हैं कि अगर हम रीडिंग फिल द ब्लैंक के ऊपर ध्यान न दें तो क्या हमारे 6 ईच आ सकते हैं। आंसर है नहीं। सो गाइस आपने करना क्या है, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आया है पूरे क्वेश्चन को रीड करोगे और उसके ऑप्शंस को भी रीड करोगे। इस वीडियो से पहले आपको मैं बता दूं आपको ग्रामर रूल्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ग्रामर रूल की वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है, इस वीडियो के बाद ग्रामर रूल को जरूर देख लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए समझने में। इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे हमने रूल्स को अप्लाई करना है। मेक श्योर आपको रूल्स आने चाहिए पहले। तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज टू रीड द होल क्वेश्चन। द प्रेजेंटेशन विल कवर कॉपीराइट्स पोजीशन एज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड हाउ इट डैश फ्रॉम अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब यहां पर देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, कोरिलेट्स, डिफर्स, इंटेग्रेट्स, एनकंपासेस। तो यहां पर बात क्या हो रही है, हम पहले बात को समझते हैं। यहां पर बात हो रही है कॉपीराइट्स पोजीशन की। वो कह रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डैश फ्रॉम अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब अगर एक ही बात हो रही है साफ पता लग रहा है कि दूसरे के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन के रिलेटेड हमारे पास जो वर्ड आएगा वो आएगा डिफर्स। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास आ गया डिफर्स। एक और थिंग, अगर यहां देखिए इट लगा हुआ है, इट के पीछे सिंगुलर आता है, सिंगुलर मतलब जो वर्ब है उसके पीछे एस या ई एस आएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है, हालांकि इस ऑप्शन में आपको सारे देखने को मिल रहे हैं एस और ई एस से एंड हो रहे हैं तो सारे एक जैसे हैं, लेकिन कई बार आपको ये देखने को मिलेगा कि एक ही ऑप्शन है जिसके पीछे एस या ई एस लगा है, उसके बहुत हाई चांसेस होंगे इस ब्लैंक में आने के। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि अगर एस ई एस नहीं आता तो आपने क्या करना है, सिचुएशन को समझेंगे। रीजन इज कई बार ग्रामर रूल्स भी काम नहीं करते हैं, हमें खुद अपना माइंड लगाना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इट विल गिव डैश ऑफ व्हाट कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स। अब यहां पर सिचुएशन क्या हो रही है कि वो बताना चाह रहे हैं कि कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स है क्या, एज वेल एज व्हाट मे बी डन विद कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वर्क्स विदाउट परमिशन अंडर परमिटेड एक्ट्स। वो बताना चाह रहे हैं कि कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स है क्या। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब इट विल गिव अ कंक्लूजन, इट विल गिव एन ओवरव्यू, इट विल गिव द सॉल्यूशन, इट विल गिव अ समरी। आंसर आपकी आंखों के सामने है कि स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आपने करना क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दो। अब इसमें प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, अगर आप प्रेजेंटेशन जाते हो तो क्या स्टार्टिंग में ही सॉल्यूशन बता देते हो, स्टार्टिंग में ही समरी बता देते हो? समरी क्या होता है, निचोड़, क्रक्स। समरी और इनकंक्लूजन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सॉल्यूशन बता देते हो ना, हम स्टार्टिंग में हमने जो प्रेजेंटेशन देनी है उसका ओवरव्यू देते हैं। तो इस तरीके के साथ हमारा जो आंसर आएगा एन ओवरव्यू आएगा। हम समझते नहीं है एक्चुअली में क्वेश्चन को, सीधा जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं करना शुरू कर देते हैं, बट हमें समझने की जरूरत है क्योंकि तुक्के भी अगर आपने लगाने हैं उसके लिए भी आपको सेंस चाहिए।
इट इज बाय मैनिपुलेटिंग द रिस्ट्रिक्टेड एक्ट्स थ्रू लाइसेंसिंग अरेंजमेंट दैट राइट्स ओनर्स डैश एंड एक्सप्लोर्ड कमर्शियल मार्केट्स। अब ये देखो होता क्या है, इसके अंदर आपको क्या करना है, किसकी बात हो रही है, इट इज बाय मैनिपुलेटिंग द रिस्ट्रिक्टेड एक्ट्स थ्रू लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट की बात हो रही है डैट ओनर्स। अगर वो कह रहा है अगर मैं एक पायरेटेड चीज चला रहा हूँ, कोई विंडो है, कोई भी सीडी है, मैं पायरेटेड चला रहा हूँ, उसका अगर मुझे कॉपीराइट लेना है या मैंने खुद अपनी बनानी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइसेंस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, किसके लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो इसके रिलेटेड देखो क्या आएगा, राइट्स ओनर्स एस्टैब्लिश कन्फर्म कंक्लूड डिटर्म, आंसर आएगा एस्टैब्लिश, हमने उसको बनाना है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द कमर्शियल मार्केट्स द ग्रोथ ऑफ ओपन सोर्स एंड ओपन कॉन्टेंट लाइसेंसिंग मॉडल हैज एस्टैब्लिश्ड, ये देखिए एक वर्ड आ गया एस्टैब्लिश्ड। रिमेंबर वन थिंग, एक और ट्रिक याद रख लो, जब कोई क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो किसी ऑप्शन में भी हो, तो उसके बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि वो ऑप्शन में आ जाए, जैसे कि यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड की बात हो रही है और यहाँ पर भी एक एस्टैब्लिश वर्ड है। अगर यहाँ पर एस्टैब्लिश वर्ड आता है तो मतलब ये कहने का हुआ कि ये वर्ड नीचे दोबारा यूज हो रहा है, हमारे चांसेस बढ़ गए कि इसके अंदर यही वाला आएगा और कोई नहीं आएगा। तो ये है सेकंड क्वेश्चन, उसी ट्रिक के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, आप मुझे बताओगे कि पूरा क्वेश्चन रीड करना है। सेकंड स्टेप, ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए। थर्ड स्टेप, अगर कोई वर्ड ऑप्शन के अंदर हो और वही वर्ड उसके अंदर हो क्वेश्चन के अंदर, उसके बहुत हाई चांसेस होते हैं। फोर्थ, सिचुएशन को चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर चूज करेंगे। मानो या ना मानो, सारे ट्रिक्स कई बार एक ही क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं, तो हमने क्या करना है, हमने अच्छे ढंग से इसको करना है। तो गाइस आप देखिए, हमारा फर्स्ट स्टेप है, रीड करेंगे, निसन विल ओवरहॉल द इंस्पेक्शन प्रोसेस फॉर इट्स जापान डेस्टिंग व्हीकल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स एज द कार मेकर सीक्स टू एड्रेस ए वाइडनिंग डैश स्कैंडल। ऑप्शन क्या है, सेक्शन इंस्पेक्शन फाइनेंशियल टैक्सेशन। बात किसकी हो रही है, इंस्पेक्शन की। बिना कुछ सोचे समझे हम यहाँ पर इंस्पेक्शन लगाएंगे, लेकिन बात याद रखना कि जब आप कोई वर्ड आपको लग गया पता कि इंस्पेक्शन यहाँ पर है, तो इसका आंसर इंस्पेक्शन आ सकता है। वैसे भी आप देखोगे पहली लाइन में इंस्पेक्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन को पुट करने के बाद, मतलब इंस्पेक्शन को पुट करने के बाद आप यहाँ पर पुट करोगे और रीड करोगे लाइन को और देखोगे कि क्या लाइन का मतलब बन भी रहा है कि नहीं। ये ना हो कि लाइन का मतलब ना बनता हो और आप देख लो कि भाई इसका आंसर यही आना है। ट्रिक का एक दायरा होता है और उस दायरे के अंदर ही हमें रहना पड़ता है, कोई भी आपको 100% कई बार ट्रिक काम नहीं करती है। ओके, एज द गवर्नमेंट सीक्स टू एड्रेस ए वाइडिंग इंस्पेक्शन स्कैंडल दैट हैज फोर्स्ड इट टू सस्पेंड प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट, द कंपनी सेड ऑन थर्सडे दैट अनऑथराइज्ड वर्कर्स हैड बीन। अब इसके पीछे लगेगा वर्ब के पीछे ing। अगर तो ऑप्शन में ing वाला है, उसके बहुत चांसेस हाई हैं कि वही आएगा, चेक करते हैं। सर्टिफाइंग एक्सपोजिंग पिलिंग परचेजिंग, हमने देखा हर एक वर्ड के पीछे ing लगा हुआ है। अब देखो ट्रिक काम नहीं करी, ग्रामर रूल काम नहीं करा, क्योंकि हमें ग्रामर रूल के जरिए ये तो पता लग गया कि हैड बीन के पीछे ing वाला आएगा, लेकिन हमारे को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा आएगा। अब हमें सिचुएशन चेक करनी है। द कंपनी सेट ऑन थर्सडे, कंपनी कहा था थर्सडे को, डैट अनऑथोराइज वर्कर्स हैड बीन डैश व्हीकल्स सेट फॉर सेल इन द जैपनीज मार्केट। अब आप, मैं कहता हूँ कि आपको ये चारों जो ऑप्शन हैं उनके मीनिंग ही नहीं पता, या एक आधे का पता होगा। परचेजिंग का मतलब पता है, परचेज करना। अब सेल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, हम सर्टिफाइड हो चुके होंगे, सर्टिफाइड
जैपनीज मार्केट इवन आफ्टर द कंपनी अनाउंस द रिकॉल ऑफ नियरली 1.2 मिलियन कार्स अर्लियर दिस मंथ ओवर द सेम इशू विद इन्वेस्टर इंक्रीजिंगली कंसर्न अबाउट जापान्स इंक्लूडिंग एडवांस टू स्टैंडर्ड कंसर्न दैट वर मोस्ट रिसेंटली डैश बाय द कॉब स्टील डेटा फॉल्सिफिकेशन स्कैंडल। अब देखो फॉल्सिफिकेशन स्कैंडल आया, यहाँ पर भी स्कैंडल था लेकिन यहाँ पर फॉल्सिफिकेशन नहीं था। तो अगर फॉल्सिफिकेशन होता तो हमारे को क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर मिल जाना था। यहाँ पर था डेटा फॉल्सिफिकेशन स्कैंडल। द न्यूज पुश्ड निसन शेयर्स डाउन 1.6% ऑन फ्राइडे एंड ऑल्सो वेड ऑन द प्राइसेस ऑफ इट्स सप्लायर। हिरोटोकोसन्स चीफ एग्जीक्यूटिव प्लाइस्ड ड्रेस्टिक मेजर्स टू डील विद द प्रॉब्लम नेमली डैश दी डील विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की बात हो रही है, प्रॉब्लम के रिलेटेड कौन सा वर्ड आएगा? रिज्यूम का मतलब होता है रोक देना, डिले का मतलब होता है डिले कर दिया जी बाद में देखेंगे, एक्सपेंडिचर खर्चे हो गए, सस्पेंशन सस्पेंड सस्पेंशन ऑफ व्हीकल प्रोडक्शन ऑफ होम मार्केट ऑफ ऑल फैक्ट्री रन बाय द मार्केट। आंसर आएगा हमारा सस्पेंशन। आपको एक काम देता हूं, इस वाले के अंदर क्या आएगा, फोर्थ वाले के अंदर क्या आएगा, इन चारों में से थर्ड वाले के अंदर क्या आएगा, सॉरी अंडर एस्टिमेटेड क्योर्ड ओवरलुक्ड या इनफ्लेम्ड। अब ये आपने कमेंट करना है। देखो धीरे धीरे हम करते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, माइंड के अंदर जो आइडियाज हैं जनरेट होते रहेंगे, इसी तरह से हमारा रीडिंग एंड राइटिंग फिल द ब्लैंक सॉल्व होता रहेगा। इसके अंदर राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं गाइस। कैसी लगी वीडियो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। कोचिंग लेने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, ऑफलाइन क्लासेस हमारे जलंधर ब्रांच में आप ले सकते हो, इंस्टीट्यूशन विजिट कर सकते हो, वहाँ पर डेमो भी मिलेगा आपको। ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए। हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। ऑल द बेस्ट।